हिसार सीट पर दिख सकती है दो औद्योगिक घरानों की जंग। सावित्री जिंदल को मिल सकती है सुभाष चंद्रा से चुनौती। जीन कोर्ट में पेशी पर आए आरोपी की हत्या। पुलिस ने शहर की नाकेबंदी कर हमलावरों की तलाश की तेज। और सिवानी मंडी में एटीएम चोर तीसरी आंख में कैद। शटर तोड़कर केनरा बैंक की मशीन ले जाने की कोशिश। नमस्कार, मारी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने जमकर भड़ास निकाली। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मैंने सोच समझकर कांग्रेस छोड़ी है। सीएम हुड्डा पर निशाना साधते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अब हुड्डा कांग्रेस की हो गई है। प्रदेश में इस बार कांग्रेस 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। हुड्डा ने प्रदेश कांग्रेस पर एकाधिकार करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। उधर कोयला घोटाले के बाद पौने 2 साल से चल रहे हिसार के 2 बड़े घरानों जिंदल और एसएल ग्रुप परिवार के विवाद का कुरुक्षेत्र अब हिसार बनेगा। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान कुरुक्षेत्र संसदीय सीट पर दोनों की लड़ाई खुलकर सामने आई थी, जहां एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने बीजेपी के टिकट पर हिसार से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। वहीं हिसार के विधायक और शहरी निकाय मंत्री सावित्री जिंदल का यहाँ से लड़ना भी लगभग तय है। उधर सपा अध्यक्ष मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नया चुने सही चुने यात्रा कर रहे हैं, जो सोमवार को महेंद्रगढ़ पहुंची, जहां सुदेश अग्रवाल का जनता ने जोरदार स्वागत किया और आने वाले चुनाव में सपा को समर्थन देने की बात कही। सुदेश अग्रवाल ने महेंद्रगढ़ की जनता की समस्याओं को सुनकर उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया और सपा की सरकार बनने पर प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर बदलने की बात कही। तो सुदेश अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजीव श्रीवास्तव ने। पार्टी की नया चुने सही चुने यात्रा लगातार जारी है। ये यात्रा अब महेंद्रगढ़ में पहुंच गई है। महेंद्रगढ़ के बाकी जो हलके हैं वहां पे ये यात्रा जाएगी। अलग अलग गांव में लोगों से जनसंपर्क होगा। हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल जी है। सुदेश जी, क्या शेड्यूल रहेगा आज की यात्रा का? महेंद्रगढ़ में यात्रा पहुंची है, कल रात को पहुंची है और यहाँ से हम रोड शो करते हुए, महेंद्रगढ़ से रोड शो करते हुए हम नारनौल पहुंचेंगे और नारनौल के बाद हम नांदन चौधरी जाएंगे। वहां पर हमारी जनसभाएं हैं, रोड शो है और जनता से जनसंपर्क है। उसके बाद हम अटेली जाएंगे और अटेली आज का जो स्केड्यूल है वो ये 4 विधानसभा क्षेत्र पूरा महेंद्रगढ़ जिला जो है हम कवर करेंगे। सर, एक बहुत बड़ी समस्या है इस हल्के में, अगर बात करें महेंद्रगढ़ की खासतौर से, यहाँ सड़कों की समस्या बहुत ज्यादा है, लोग परेशान है। 6-7 साल हो गए हैं, सड़कें नहीं बनी है। देखिए कि ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि मैं जो महेंद्रगढ़ नारनौल की जो मेन सड़क है उसके ऊपर पिछले 6 साल से चल रहा हूँ और मुझे ये समझ नहीं आता है कि आज तक इस सड़क को सुचारू या दुरुस्त क्यों नहीं किया गया। क्योंकि यहाँ पर विधायक जो राव धान सिंह जी हैं उनका बहुत बड़ा वर्चस्व कहा जाता है, हेल्थ मिनिस्टर हैं जो नारनौल से हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं बदली जाती है। इसका मतलब ये सरकार की नाकामी है और इन विधायकों की, अपने स्वार्थ के लिए तो ये काम करते हैं लेकिन जनता के लिए काम इन्होंने कुछ भी नहीं किया है और इसीलिए महेंद्रगढ़ जिला सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ जिला जो है ये माना जाता है और यहाँ पर व्यवस्थाएं सब की सब बिगड़ी हुई है। राव धान सिंह और राव नरेंद्र सिंह इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां जो सरकार में शामिल है वो यहाँ के से बिलोंग करती हैं सर, उसके बावजूद भी व्यापारियों के सामने बहुत समस्या है, अपराध बहुत ज्यादा है, यहाँ दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। देखिए कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था इस प्रदेश की पूरे प्रदेश के अंदर बिगड़ी हुई है और जो दूर दराज के इलाके आ जाते हैं जैसे कि महेंद्रगढ़ है, मेवात है या और जहां पे व्यापारियों को बहुत सी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, सुरक्षा के लिए व्यापारी बहुत देर से मांग उठा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए और क्योंकि उनके बच्चों का अपहरण होता है। इस किस्म की समस्याएं जो हैं
ये इसलिए होती है क्योंकि सरकार जो है सक्रियता से अपनी भूमिकाओं को नहीं निभा रही है और ये अपने कामों के लिए लगे रहते हैं, स्वार्थ करते रहते हैं, भ्रष्टाचार करते रहते हैं और इसीलिए प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। समस्त भारतीय पार्टी इस व्यवस्था से चिंतित है और क्योंकि जब तक कि आर्थिक विकास नहीं होगा, जब तक कि जो लोग आर्थिक विकास करने की क्षमता रखते हैं उनको उनकी सुरक्षा नहीं होगी तो कैसे विकास आगे बढ़ेगा। ये एक बहुत सी मतलब कि प्राथमिक जरूरत है सुरक्षा, और उसका होना बहुत जरूरी बात है। समस्त भारतीय पार्टी की प्राथमिकताओं में ये मुद्दा शामिल है, व्यापारियों के हितों की बात नहीं, व्यापारियों के हितों की बात हमारा जो 21 सूत्रीय कार्यक्रम है उसके अंदर व्यापारियों के हितों की बात हमारी बिल्कुल शामिल है। और हमने ये भी कहा है कि 5% जो टैक्स है जो व्यापारी एकत्रित करके देंगे उसका 5% हम उनके बेनिफिट के लिए, उनकी कल्याणकारी नीतियों के लिए हम उसको बचाकर रखेंगे और उन्हीं के ऊपर लगाएंगे। ये हमने कहा हुआ है, ये हमारे 21 सूत्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है और सुरक्षा व्यापारियों की बहुत बड़ी जरूरत है। समस्त भारतीय पार्टी उसके लिए प्रतिबद्ध है। तो समस्त भारतीय पार्टी का साफ कहना है कि हम पूरे दृढ़ विश्वास से अपराध मुक्त और भय मुक्त सरकार देना चाहते हैं और ऐसे में हमारी जो विचारधारा है वो जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं और भरोसा है कि जनता इन बातों को समझेगी, मानेगी और आने वाले चुनाव में समस्त भारतीय पार्टी को एक अच्छी जीत दिलाएगी। कैमरामैन आशीष के साथ राजेश श्रीवास्तव, महेंद्रगढ़। उधर महम की नई अनाज मंडी में इनेलो कार्यकर्ता सम्मेलन में अभय सिंह चौटाला शिरकत करने पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विकास के नाम पर लोगों को सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने धोखा दिया है। सीएम ने महम में की गई घोषणाओं में से एक भी घोषणा को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का नारा था कि अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन हरियाणा में अगर किसी के अच्छे दिन आए तो वो रामविलास शर्मा और कृष्णपाल गुर्जर के आए हैं। आगामी चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा ने रेवाड़ी में जनसभा की। हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा चुनाव प्रचार अभियान के तहत रेवाड़ी पहुंचे और रेवाड़ी के मोती चौक पर विशाल जनसभा की। जनसभा में पहुँचने पर गोपाल कांडा का जनता ने जोरदार स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए गोपाल कांडा ने प्रदेश और रेवाड़ी की तमाम समस्याओं का जिक्र किया। आज तक 50 वर्षों में किसान को खेत में पानी छोड़ो, उसकी आंख के आंसू सूख गए, पर इनको पता नहीं चला पानी कहां से आएगा। ना पूरे हरियाणा के अंदर ना पीने का साफ पानी है। मैं रेवाड़ी की जनता से पूछता हूँ, क्या पीने का साफ पानी है आपके पास? इस मौके पर गोपाल कांडा ने प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कहा आप भी सुनिए। अरे हरियाणा नंबर वन तो है, पर गुंडागर्दी में नंबर वन, भ्रष्टाचार में नंबर वन, बेरोजगारी में नंबर वन। हरियाणा तीन चीज में नंबर वन है, गुंडागर्दी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। इन तीन चीज में हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा को नंबर वन बना दिया। सरकार को आड़े हाथों लेते हुए गोपाल कांडा ने हलोपा की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, साथ ही प्रदेश की तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का आश्वासन भी दिया। रेवाड़ी से पवन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। चलिए फिलहाल यहां रुकते हैं, एक ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।